हेलो एवरीवन, क्या हाल है? होप सब एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। गाइज, आपने तो बहुत सारा वीडियो फेस स्मूथ के ऊपर देख लिया, लेकिन गाइज आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो फेस स्मूथ का ट्रिक बताऊंगा वो आपने आज तक कभी नहीं देखा। लेकिन गाइज आज के इस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा, तभी आपको ये ट्रिक पता चलेगा। तो गाइज चले बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी जाओ भाई, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। वहाँ पे डेली PNG प्रीसेट बैकग्राउंड सब कुछ मिल जाएगा, तो जल्दी जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो गाइज सबसे पहले आपको लाइट रूम ऐप को ओपन करना होगा आपके फ़ोन के अंदर। लाइट रूम ऐप को ओपन करने के बाद तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो, फोटो को पहले ही ऐड कर लिया हूँ, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो, ये है हमारा ओरिजिनल फोटो, और उसके साथ गाइज ये वाला प्रीसेट को भी ऐड किया हूँ। ये वाला प्रीसेट मैं बहुत दिन पहले से यूज़ कर रहा हूँ। आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और डाउनलोड करो, ठीक है। ये प्रीसेट आपका बहुत काम कर सकता है। तो गाइज आपको क्या करना होगा, प्रीसेट को बस ओपन करके आपको कॉपी सेटिंग्स कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, कॉपी सेटिंग्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पे राइट कर देना है, बस आपको और कुछ नहीं करना है। 3 डॉट पे क्लिक करो और कर दो पेस्ट सेटिंग्स। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद गाइज आपको क्या करना होगा, कलर्स पे एक बार आना होगा और मिक्स टूल पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे जो CN कलर है इसका सैचुरेशन पहले से ही डाउन है, ब्लू कलर का सैचुरेशन को भी डाउन कर दो, ग्रीन कलर का सैचुरेशन पूरा डाउन, येलो कलर का सैचुरेशन पूरा डाउन, ठीक है, ऑरेंज कलर का सैचुरेशन और भी थोड़ा सा कम कर दो, रेड कलर का सैचुरेशन भी थोड़ा सा कम कर दो, इतना कर दो, ठीक है। और देखो गाइज, पहले ऐसा अब ऐसा, पहले ऐसा अब ऐसा, तो फेस को और भी स्मूथ करने का ज़रूरत है। गाइज देख सकते हो, फेस बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। तो यहाँ से फोटो को पहले शेयर कर लेते हैं ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर। मेरी जान, ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर फोटो ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले फेस को गोरा करना होगा। फेस को गोरा करने के लिए आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं, यहाँ पे एक लेयर ऐड कर दो। कुछ ही ट्रिक है भाई, मतलब एक दो ट्रिक है, बस आपको एक लेयर ऐड कर लेना है। कलर्स पे क्लिक करके ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करो और यहाँ पे ये वाला कलर को सिलेक्ट कर दो, कट कर दो। ब्रश पे क्लिक करो, ये वाला ब्रश, ठीक है, इसका साइज़ को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, और बस आपको कुछ इस टाइप से चला देना है, ठीक है, ऐसे पूरा फोटो पे चला दो। ऐसा करने के बाद गाइज आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो लेयर का ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करके आपको नॉर्मल को कर देना है सॉफ्ट लाइट, ठीक है। देखो गाइज इसको ऑफ कर दूंगा तो फोटो ऐसा रहेगा, अब ऐसा है। इसका ओपेसिटी को आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ पे इतना रख लेते हैं। उसके बाद गाइज आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको फिर से पेंसिल वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको फेस स्मूथ करने का, ये है। यहाँ पे आपको क्लिक करके आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। इसका साइज़ को मैं इतना रख लेता हूँ। और गाइज देखो, आप फेस को स्मूथ करूँगा, यहाँ पे लेयर पे क्लिक करके आपका जो फोटो वाला लेयर है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, और फोटो को जूम करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से चला देना है। देखो भाई फेस कितना बढ़िया तरीके से स्मूथ हो रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं चलाना है, आपको राउंड राउंड से चलाना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। गाइज आप बहुत ही टाइम दे के फेस को स्मूथ करना, ठीक है, बहुत ही टाइम दे के फेस को स्मूथ करना। मैं पहले ही बता रहा हूँ, हम ऐसे नहीं कर देते कि बहुत जल्दी से फेस को स्मूथ हो जाता है, लेकिन गाइज हमारा प्रैक्टिस होता है, ठीक है। गाइज देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से फेस को स्मूथ कर लो। गाइज यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हो आँखों के नीचे, यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे करके चलाना है। तो गाइज अब देखो फेस को कितना बढ़िया तरीके से स्मूथ कर लिया हूँ, आप देख सकते हो भाई। देखो पहले कैसा था अब कैसा है। इस टाइप से गाइज आपको फेस को स्मूथ करना होगा। फेस को स्मूथ करने के बाद गाइज यहाँ पे आप लिप्स को भी कलर कर सकते हो। लिप्स को कलर करने के लिए बस आपको रेड कलर को सिलेक्ट करके आपको ये वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर एक लेयर आपको क्रिएट करना होगा, इसके ऊपर रखना है, ठीक है, और कुछ इस टाइप से वो चला देना है। और इसका ओपेसिटी को आपको थोड़ा सा कम कर देना है, इतना देख सकते हो, बहुत ही सही लग रहा है।
और गाइस इतना तो हो गया, लेकिन इसके बाद आप ऑयल पेंट इफेक्ट ऐड करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो यहाँ से। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से पहले सबसे पहले फ़ोटो को कर लेना होगा सेव। और फोटो को ओपन करना होगा पिक्सार्ट ऐप के अंदर। तो गाइस देख सकते हो फोटो को ओपन कर लिया हूँ पिक्सार्ट ऐप के अंदर। फोटो को पिक्सार्ट ऐप के अंदर ओपन करने के बाद यहाँ पे ऑयल पेंट इफेक्ट ऐड करना है, तो आपको इफेक्ट्स पे क्लिक करना होगा और आपको आर्टिस्टिक पे क्लिक करके आपको ऑयल पेंट पे क्लिक कर देना है, फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ऑयल पेंट इफेक्ट ऐड हो गया है। इसके बाद इसका ओपेसिटी को कम करके आपको 15 कर देना है, ठीक है। इरेजर पे आपको क्लिक करना है, जहाँ जहाँ पे आपको नहीं चाहिए आपको बस इरेज कर लेना है और राइट कर देना है। देखो पहले कैसा था, ऐसा था, अब ऐसा है, ठीक है। और यहाँ से फ़ोटो को सेव करना बहुत ही आसान है। फ़ोटो को सेव करने के लिए आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है।